फाइनली गाइस आ चुके हैं हम एक और न्यू ताबड़तोड़ गेम प्ले के साथ। तो गाइस इसमें दो गेम प्ले हैं, दोनों ही चिकन डिनर हैं और दोनों में मिलाकर के किल जो है वो है गाइस 53 किल। हाँ बिल्कुल सही सुना, 53 किल है और गाइस एक में 30 किल और एक में 23 किल है। तो फिलहाल दोनों में चिकन डिनर और दोनों में ही बहुत मजा आएगा। तो उतर चुके हैं और बंदे भी मिल चुके हैं। उतर गई उतरते ही चार बंदों की पेटी बना दी थी, लेकिन गए जब हॉट ड्रॉप पे बंदे बचे थे 11, मतलब 9 बंदे बचे थे और गए जिसमें से सारे बंदे तुम्हारा भाई मारने वाला है। तो फिलहाल गए सामने होता है एक बंदा और जिसको मैं नॉक कर देता हूँ। तो फिलहाल वो नॉक फिनिश नहीं कर पाता हूँ, वो निकल जाता है, उसका फिनिश थोड़ा आगे चल के मिलेगा। लेकिन उससे पहले और बंदे आ चुके हैं मेरे पास, तो उनको निपटाते हैं। तो यार गाइस ये बंदा यार तलवार चलाने लगा था, वो तो बाल बाल बचा। गाइस एक और स्प्रे तो मेरा गेम खत्म, मतलब तलवार ही बहुत खतरनाक डैमेज देती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हील भी लगाता हूँ और सामने कुछ बंदे होते हैं तो उन्हें मारने के लिए मैं जैसे ही आगे जाता हूँ और इतने में देखो क्या ही गलत सीन हो जाता है। सर गाइस इन बंदों को मारने के बाद में गाइस थोड़ा सा मैं आगे रोटेशन लेता हूँ और इतने में देखो और बंदों से मुठभेड़ हो जाती है। सो यार गाइस इन दोनों बंदों को मारने के साथ साथ जो किल थे अपने हो चुके थे 12 गाइस, लेकिन अभी भी हॉट ड्रॉप पे कुछ बंदे बचे थे तो मैं उनको ढूंढने के लिए जैसे आगे जाता हूँ और इतने में ही देखो क्या ही सीन हो जाता है।
यार गाइस, एक बंदा होता है जो कि गाड़ी लेके आ जाता है और भाई साहब वो पीछे से मेरे को मारने लगता है। और गाइस बंदा भी काफी अच्छा खेल रहा होता है, तो भाई इस बंदे को मैं हल्के में नहीं लेता हूँ, अगर थोड़ा सा ध्यान से खेलता हूँ। तो पहले तो मैं गाड़ी ब्लास्ट करता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ और भाई साहब अपने स्पाइडरमैन वाली ट्रिक और थोड़ा उड़ के क्लोज जाता हूँ और देखो इस बंदे को क्या ही गलत तरीके से निपटाता हूँ। सो गाइस, बंदे को मार के मैं जैसे निकल ही रहा होता हूँ स्क्वाड हाउस की तरफ से, तभी मुझे एक गन साउंड आती है जो कि भाई साहब बोट फायरिंग करके मुझे ये बंदा बुला रहा होता है। तो फटाफट मैं आता हूँ, रेंजर टेक्निक लगाता हूँ और देखो ये बंदा क्या ही चालाकी दिखा रहा होता है। तो यार गाइस, मैं स्पाइडरमैन ट्रिक लगा रहा होता हूँ लेकिन वो डबल टैप होने की वजह से यार मेरा ग्लाइडर खुल जाता है, जिसके चलते यार मैं रास्ता में गिर जाता हूँ। वो तो बाल बाल बचा है इस बंदे के स्प्रे से। तो फटाफट मैं सोचता हूँ यार अब यहाँ से फाइट नहीं लूंगा, मैं जाऊँगा ट्रिपल हाउस। तो मैं ट्रिपल हाउस पर आता हूँ फटाफट और इस बंदे को आकर के घेरता हूँ और जो कैसे ही निपटाता हूँ उसको। सो गाइस, इन दो बंदों को मारने के बाद यार एक बंदा भी वहां पर और बैठा होता है जो कि कैम करके बैठा होता है। तो फटाफट यार मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ, सीधे बंदे पर रश कर देता हूँ। और गाइस पहले तो दूर से नेट डालता हूँ लेकिन नेट से कुछ नहीं होता, फिर लगाता हूँ अपनी निंजा टेक्निक और इस बंदे को देखो क्या ही पकड़ता हूँ। सर गाइस, ये बंदा बहुत ही चतुराई दिखा रहा था तो मैं भी थोड़ा संभल के खेलने लगा। मैंने सोचा यार अभी हाथ से चिकन निकल जाएगा, थोड़ा सा भी अगर उजड्डी दिखाई गलत, एक कॉल एक कदम गलत और ये बंदा पूरा खा जाता। यूजी हाथ में दी तो भाई संभलता पूर्वक इसको निपटाया। अब बंदे बचे थे दो, तो मैं सोच रहा हूँ यार एक दो बंदे आपस में लड़के मर जाएं, पता लगे 30 किल से भी वंचित रह जाएं। तो फटाफट यार मैं बंदे ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा होता हूँ और ये बंदे आखिर मिलते मेरे को कहाँ हैं। सो गाइस, लास्ट बंदे को मारने के साथ साथ अपने 30 किल का चिकन डिनर एक हो गया। चलते हैं दूसरे चिकन डिनर की तरफ।
सो गाइस इस स्क्वाड को मारने के साथ ही साथ अपना जो किल थे 5 भी हो चुके थे और अभी और भी बंदे बाकी थे और ड्रॉप पे, तो फटाफट दूसरे बंदे को ढूंढने के लिए मैं जैसे आगे जाता हूँ उसके बाद। सर गाइस इस किल को मारने के साथ साथ अपने जो किल कंप्लीट हो चुके थे वो हो चुके थे 8, और गाइस बंदे अभी बचे थे बहुत सारे, तो फटाफट थोड़ा घूम के जाते हैं और इस बंदों को भी देखो कैसे ढूंढ के निपटाते हैं। सर गाइस इन बंदों को निपटाने के साथ ही साथ जो अपने किल थे वो हो चुके थे 13, तो भाई यार कर दो ना सब्सक्राइब चैनल मेरा, तो प्लीज़ कर दो यार, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके, और प्यारा सा कर दो कमेंट। तो फिलहाल 13 किल हो चुके थे, अब बंदे बचे थे 60, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हॉट ड्रॉप पूरा खाली हो चुका है और बंदे हमको चाहिए थे पेल के ढूंढ ढूंढ के मारने के लिए, तो मैं निकलता हूँ और देखो बंदे आखिर कहाँ कहाँ मिलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद गाइस ये बंदा मिलता है, तो इसको मारने के बाद अपने किल हो चुके थे 18, तो भाई फिर ढूंढने हम निकल जाते हैं। अब थोड़ा बग्गी जैसी घुमाते हैं, सामने मुझको दो बंदे और नजर आते हैं, अब उन बंदों पे मैं बग्गी चलाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन यार वो बंदे होते हैं अश्वत्थामा, लेकिन भाई साहब तो गाइस इन बंदों का तलवार से खेच खेच करने के बाद में भाई साहब फिर अपनी बग्गी पकड़ते हैं और निकलते हैं, क्योंकि किल हो चुके थे 20 बंदे, अभी 6 और अलाइव थे क्योंकि तुम्हारा भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, तो इसलिए भाई 6 बंदे बचे थे, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड होता तो भाई तो अलग सीन होता। तो भाई साहब फटाफट मैं निकलता हूँ बंदे ढूंढने के लिए, यार बंदे बहुत ही खतरनाक कैंपर टाइप के होते हैं, ढूंढने से मिल ही नहीं रहे होते हैं, और लेकिन फाइनली
सर गाइस ये बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से यार सिंगल पे गोली चला के मार रहा था, कान के नीचे से गोली निकल रही थी। मैं बोलता हूँ भैया पहले हेली लगा लो, पता लगे ये बंदा पूरा चार्ज जाए। तो भाई जब मैं बीच बीच में जोर भी लगा रहा था, लेकिन गाइस इसकी जब एक और गोली मेरे को लगी हेड पे, तो भाई मैं समझ गया अब हील लगाना ही बेहतर है, वरना अगली गोली मेरी लॉबी का टिकट हो सकती है। तो फटाफट हील लगाते हैं और थोड़ा राइट से रोटेट करते हैं और देखो उसको घेर के मारते हैं। सर गाइस इसी के साथ हो गया अपना चिकन डिनर। आई होप आपको चिकन डिनर 53 किल का पसंद आया होगा, तो मेक श्योर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब बखैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।